दरवाजा काहे खुला है? आई बेटा आई। हाँ बेटा आ गई माँ, ये लो लो बेटा पियो, दूध पियो। पियो ना बेटा, क्या हुआ? पियो, गरम है का? नहीं गरम तो नहीं है, पियो बेटा पियो। बहुत ही अच्छा बजाते हैं आप लोग। आपका गाना सुनकर हमारी बिटिया चुप हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सदा खुश रहे आप और आपकी बिटिया। हमें बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा? जी अभी लाती हूँ। सर, अदिति मैम, ये जो मामला है बहुत सीरियस हो गया है। हर जगह डर का माहौल है, लोगों के घरों से उनके छोटे छोटे बच्चे अगवा हो रहे हैं। हर किसी का यही कहना है कि दो बंजारे आते हैं, गाना बजाते हैं, जो आदमी है उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, औरत है वो घूंघट में रहती है। लेकिन गाना बजा के कोई किसी को कैसे किडनैप कर सकता है? वो हमें भी लगा मैम, लेकिन लोगों का कहना ये है कि जब वो गाना बजाते हैं तो बंदा मदहोश हो जाता है। तो हमने उस तरह से भी तहकीकात की, लेकिन हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तक जो कुछ भी पता चला है वहां से शुरू कीजिए। बिशनपुर नाम का एक गांव है, वहां पे लास्ट किडनैपिंग हुई थी। अब हमने वहां पे एरिया में जाके पूछताछ की, छानबीन की, लेकिन हमें तो वहां पे कोई बंजारा नहीं मिला। आपने लोकल क्रिमिनल्स को क्वेश्चनिंग के लिए कस्टडी में लिया? जी सर, पहला काम वही किया सर। हमारे जो इन्फॉर्मर्स हैं उनको भी कोई सुराग नहीं मिल रहा है सर, और यहाँ पे ऐसा कोई गैंग भी नहीं है जो छोटे बच्चों को अगवा कर रहा है। तो ये तो सिर्फ बातें हैं सर। एक काम करते हैं, क्राइम लोकेशन पर चलते हैं, शायद वहीं से कुछ पता चले। करंट क्राइम लोकेशन पे मैं जाता हूँ पूछताछ करने के लिए। तुम एक काम करो, अब तक के जो गुमशुदा बच्चों के पेंडिंग केसेस हैं उन्हें दोबारा इन्वेस्टिगेट करो। और एक बात है सर, ये जो बंजारे हैं वो लोकल लोगों को कभी दिखाई नहीं देते। जिनको भी दिखाई दिए हैं वो गुमशुदा बच्चों के माँ बाप हैं। साहब, हमारी छोटी सी गुड़िया थी साहब, अब एक माँ अपनी बच्ची से कैसे दूर रहे? साहब, वो लोग ना कोई धुन बजा रहा था, वो धुन मानो, वो धुन सुनकर
हमको लकवा मार गया था, हमारा हाथ पैर भी काम नहीं कर रहा था साहब, बहुत अजीब सा धुन था वो। लेकिन ये धुन सिर्फ आपको क्यों सुनाई दी? आपके आस पड़ोस वालों को क्यों नहीं सुनाई दी? क्योंकि साहब वो इंसान नहीं थे, भूत थे। भूत? भटकती हुई आत्माएं थे, उनको हमारी बच्ची चाहिए थी साहब, और वो हमारी बच्ची ले गए हमारी बच्ची को। ये देखिए मैडम, ये वही जगह है जहां पर पहले बच्चे की किडनैपिंग हुई, और उसी हादसे के बाद से ही ये सब कहानियां शुरू हुई। हादसे के बारे में सबसे पहले किसने इन्फॉर्म किया था? यहाँ के किसानों ने हमको सबसे पहले हादसे के बारे में बताया था, मगर उसके बाद से अब कौनो यहाँ आता जाता नहीं। ये देखिए सब खाली खाली पड़ा है यहाँ। ये उसी बच्चे का होगा जी। हादसे के वक्त बच्चे के माँ बाप यहाँ पर मौजूद थे? हाँ, बच्चे की माँ यहाँ बच्चे को खिला रही थी, और बाप शायद यहाँ कहीं काम कर रहा था कुछ। कुंडी तो बिल्कुल सलामत है, पर कोई इसे बाहर से खोल भी नहीं सकता। किसी ने बाहर से जबरदस्ती घुसने की कोशिश भी नहीं की है। अरे क्या करिए आप, उठिए उठिए, उठाओ इन्हें। साहब हम जानते हैं कि आपको हम पर भरोसा नहीं है, लेकिन हम आपको सब सच सच बताए साहब, हमारी बिटिया को हमसे मिला दीजिए साहब। हमारे पति को हम अभी तक कुछ नहीं बताए हैं, वो जब शहर से वापस आएंगे हम उनको कहाँ जवाब देंगे साहब? ना जाने हमारी बिटिया किस साल में होगी, हमें हमारी बिटिया से मिला दीजिए साहब। देखिए आप चिंता मत कीजिए, तो भूत हो ना हो आपकी बेटी जरूर आपके पास आ जाएगी, मिल जाएगी आपकी बेटी। और देखिए ना मैडम, ये एरिया इतना बड़ा है कि कोई भी यहाँ से कहीं भी भाग सकता है। देखिए दूर दूर तक कोनो नजर ही नहीं आ रहा है, मुझको तो लगता है कि बच्चे को लेकर वो वहां कहीं से भाग गई हो। कौन है वहां? मैडम मैडम मैडम, हमको तो लगता है वहां कहीं भाग गई होगी, या फिर इधर इधर हो सकता। बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, मैंने देखा था उसकी पीठ पे भी एक बच्चा था, आसपास में ही कहीं होगी। तुम इधर देखो, मैं इधर देखती हूँ जी। बच्चे को लो जी। मेरे बच्चे को छोड़, मेरा बच्चा है। चौकी चल के बात कर, चल छोड़। शर्मा जा। बोलो अदिति। विक्रांत, मैंने क्राइम लोकेशन से एक औरत को पकड़ा है, उसके हाथ में एक बच्चा था, हो सकता है कि वो सुमन का बच्चा हो। मैंने दोनों की फोटो मैच करने के लिए बोल दिया है। और तुम बताओ कोई लीड मिले? हाँ, काफी सारे केसेस के फाइल्स आए मेरे पास, अब देखता हूँ इनमें कोई क्लू मिलता है या नहीं। ठीक है। मैडम, मैडम फोटो सुमन के बच्चे के साथ नहीं मिलती। मैडम इसका नाम ज्योति है, इसका पति एक नंबर का उचक्का है, उसका पर्चा पहले से यहाँ कटा हुआ है। एक काम करो, आसपास नाकाबंदी करवा दो और पूरे एरिया को सर्च करने के ऑर्डर दे दो। जी मैडम। उसकी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे साथ सेफ है, उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम हमें देखकर भागी क्यों थी? वो मैं उनसे छुप रही थी। किन लोगों से? गांव वालों से। क्यों? पीछे पड़े हमारे
हमारा पति भी भाग गया मैडम जी, हम बन जा रहे हैं ना, तो सबको लगता है ये बच्चा चोरी होने के पीछे हमारा याद है, उनको तो लगता है जो हमारा बच्चा भी ना है। मैडम जी मारे को जाने दो, मैंने कुछ ना किया है, मैं बस थोड़ा डर गई थी मैडम जी, मैं कोई चोर हूँ नहीं हूँ, बस मजूरी करके लोगों के घर में काम करके पेट पालती हूँ मैडम जी। देखो सबसे पहले तो शांत हो जाओ और आराम से मैं जो पूछूं उसके जवाब दो। उस किडनैपिंग के बारे में क्या जानती हो? ज्यादा कुछ नहीं मैडम, बस एक बहुत पुरानी कहानी है। कैसी कहानी? मैडम जी आज से 50-60 साल पहले इस गांव के सरपंच का लड़का खो गया था। सबने बहुत ढूंढा पर जब वो नहीं मिला तो गांव में आए हुए गाने बजाने वाले बंजारों पर इल्जाम डाल दिया। पहले तो उन्हें बहुत मारा और बाद में लोहे की जंजीरों से हाथ पैर बांधकर उन्हें जिंदा दफना दिया। कहते हैं कि उनकी आत्माएं वापस आ रही हैं इस गांव के बच्चों के लिए अपना बदला लेने। मैडम जी हमारे को जाने दो, मैंने कुछ भी ना किया है, हमारा बच्चा बहुत छोटा है मैडम जी, उसे कुछ ना हो जाए हमें जाने दो। अगर तुमने कुछ किया नहीं है तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों को चुराना जितना आसान है उन्हें संभालना उतना ही मुश्किल। एक तो छोटे बच्चे हमेशा किसी न किसी की निगरानी में रहते हैं, अगर उनके खाने पीने का या सोने का वक्त चूक जाए तो पूरी दुनिया सर पे उठा लेते हैं। लेकिन पुलिस को किडनैपिंग का कोई सुराग नहीं मिला है, ना ही फिरौती के लिए कोई कॉल आया। तुमसे किसने कहा कि किडनैपिंग हमेशा फिरौती के लिए होती है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, बैगिंग रैकेट, चाइल्ड ट्रेड, बच्चों से तरह तरह के काम करवा सकते हैं लोग। अगर ये कोई गिरोह कर रहा है तो उनमें जरूर कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो बच्चों को संभालने में माहिर है, शायद कोई औरत। लेकिन विक्रांत ऐसा कोई तभी करेगा जब वो चाहेंगे कि बच्चे जिंदा रहे। तुम्हारा कहना है कि शायद हम मुर्दा बच्चों को ढूंढ रहे हैं? शायद। मैं उस औरत की बातों पे विश्वास हो गया कि उन बंजारों की आत्मा इन बच्चों को चुरा रही है। विक्रांत वो औरत सच बोल रही है या झूठ ये तो नहीं पता, लेकिन उस खेत में जरूर कुछ है। आई थिंक हमें वहां जाकर दोबारा चेक करना चाहिए। बच्चे का जूता या तो कई सारे हैं, ये देखो। अदिति सिर्फ जूते नहीं बच्चों के कपड़े भी हैं।
शर्मा जी खोदो इसे। यहाँ पर जितने भी मिट्टी के टीले हैं सब खोदो जल्दी से। शुरू करो। अदिति देखो किसने किया ऐसा? यहाँ पर कैसे आई तू? यहाँ पर कैसे आई तू विक्रम? हाँ मैंने उस औरत और आदमी को देखा, वो घूंघट वाली औरत, वो दोनों वो म्यूजिक बजा रहे थे। म्यूजिक? तुम होश में नहीं हो, ठीक हो तुम? हाँ आराम से बाद में बात करेंगे। क्या हुआ साहब?
सब ठीक तो है? अदिति क्या हुआ सर, आप ठीक तो हैं? अरे मैं ठीक हूँ, अदिति मैडम को चोट लगी है। एक काम करो जरा रस्सी वस्सी का इंतजाम करो, जाओ जल्दी। हमारे पास रस्सी है, जाओ जल्दी लाओ। क्या सर, हिलो मत। अदिति सर, कुल 27 बच्चों के शव मिले, जिनमें से कईयों की शिनाख्त करना भी मुश्किल है। मैंने गांव वालों को इन्फॉर्म कर दिया। ये अदिति मैडम और विक्रांत सर कहाँ हैं? सर अदिति मैडम गेस्ट हाउस चले गए, लेकिन विक्रांत सर अभी भी स्पॉट पर हैं। कुआं खोद रहा था साहब, खेत के लिए। पानी मिलेगा साहब? पीने के लिए पानी मिलेगा? हाँ अभी लेकर आते। साहब वो साहब बलदेव, नाम बलदेव है ना तुम्हारा? हाँ सर। अकेले रहते हो यहाँ पे? जी सर। तो बलदेव तुम दूध इस बॉटल से पीते हो? चल बलदेव, सब सच सच बता दें। सच कह रहे हैं साहब। सच कह रहे हैं? सच कह रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं? नहीं साहब, सच कह रहे हैं। तेरे घर में वो बॉटल मिली, उससे किसे दूध पिलाते तू? साहब एक छोटा बच्चा हमको मिला था, जो हम कुआं खोद रहे थे उसमें। तू जो कुआं खोद रहे थे उसमें बच्चा मिला? जिंदा बच्चा मिला? हम रात को सो रहे थे साहब, तो हमको रोने का आवाज आया था। हम गए तो वहां मिट्टी में दबा हुआ था, तो हम उसको लेकर आए साहब, उसी को पिलाते थे दूध। और फिर उस बच्चे के साथ क्या किया? बच्चे को हम बेच दिए साहब। बच्चे बेचता है तू? नहीं नहीं साहब, हम तो थोड़ा सा पैसे के लिए उसको बेच दिए। और बाकी सारे बच्चों के साथ क्या, उन्हें मार दिया? नहीं 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 साहब, हम किसी को नहीं मारे। बाकी सब बच्चों को मार के तूने दफना दिया ना? नहीं नहीं साहब, हमको उस पेड़ के पास हमें लाशें मिली है बच्चों की, तूने ही दफनाया ना उन्हें वहाँ पे? हाँ साहब, हमने ही दफनाया, लेकिन वो हमको कुएं से मरे हुए मिले थे साहब। अरे अभी तो तू बोला कि कुएं से जिंदा बच्चा मिला, तो बाकी सबको तूने मार दिया? नहीं नहीं, हमको एक ही बच्चा मिला। अच्छा, कुएं से एक बच्चा जिंदा मिला और बाकी सब मरे हुए मिले? हाँ साहब। उन्हें उस पेड़ के पास क्यों दफनाया साहब? हमारी समझ में कुछ नहीं आता, हम घबरा गए थे, तो हमने कहीं यहाँ रहेगा तो हम फंस जाएंगे, तो हम उसको ले जाके वो पेड़ के नीचे दफना दिए। पुलिस के पास क्यों नहीं आए तू? क्या बोलते, हमको पकड़ के बंद कर देते हवालात में। क्यों हवालात में क्यों डालते? मरे हुए बच्चे थे ना, तूने नहीं मारा उन्हें? हमारी समझ में कुछ नहीं आता साहब, हमें गाँव में नहीं है साहब, हमारा कोई नहीं है साहब, हमको ये बंजर जमीन बेच दी है साहब, न कुआ है न पानी है, सिर्फ लाश ही लाश है, क्या करते साहब? वो जंजीर थी तेरे घर पे, वो कहाँ मिली तुझे? वो भी हमको वही कुएं के अंदर से निकली थी। बच्चे मिले या जंजीर मिली? साहब पहले जंजीर मिली, और जब जंजीर मिली उसके दूसरे दिन से हमको लाश मिलना शुरू हो गई। पहले जंजीर मिली फिर बच्चे लोग मिले? पहले जंजीर, मरे हुए बच्चे मिले? झूठ बोल रहा है? नहीं सच का सच बोला। गाँव में उस घर में अकेला रहता है? झूठ बोल रहा है, तेरे साथ एक औरत भी रहती है? सच कह रहा, हम अकेले ही रहते थे, हमने कुछ नहीं किया था। वो और वो औरत मिलके जाते हैं ना, आप लोगों के बच्चे चुराते हो? नहीं नहीं, उसके बाद उन्हें मार देते हो और वापस दफनाते हो? नहीं नहीं साहब, हम अकेले ही रहते। झूठ बोल रहा है? नहीं साहब, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया।
सर बैठो। सर बलदेव के घर से ही ये सारी चीजें मिली है, ये कुछ पैसे, एक डायरी मिली है सर, और ये कुछ रिपोर्ट्स मिले हैं। इसने तो काफी सारे नंबर्स ट्राई किए थे। जी सर। अच्छा आखिर इसको ये कपल मिला जिनकी एडॉप्शन एप्लीकेशन फेल हो गई। एक काम करो, इस कपल को ट्रैक करो और इस बच्चे को वापस लाओ, और इसके असली माँ बाप जो है उनके पास लौटा दो। जी सर। सर लेकिन मुझे लग रहा है ये तो बहुत बड़ा स्कैम है सर। बलदेव ने इन सारे बच्चों को चुराया और जिन बच्चों को ये बेच नहीं पाया उनको मार के दफना दिया। सुरेंदर, पिछले 10 सालों से फोर्स में हूँ, आदमी से 5 मिनट बात करके उसकी फितरत समझ लेता हूँ। एक स्कैम तो है जो बलदेव ने चलाया है, उसने इस बच्चे को भी बेचा है, लेकिन उसने इन सारे बच्चों का खून नहीं किया। तो फिर सर? ये सब कोई और कर रहा है। साहब, साहब, साहब मारे को जाने दो, साहब, साहब मारे को जाने दो, मारा बच्चा भूखा होगा। ठीक है, बैठो अभी। साहब, साहब, बड़े साहब, मारे को जाने दो ना साहब। अब तो जो चाहिए था ना वो मिल गया ना साहब। जाने दे तुमको, अगर दोबारा किसी पुलिस वाले पे हाथ उठाए तो। ना साहब, गलती हो गई सर। ठीक है, जाने दो। साहब, मारा बाप। बच्चा ला कर दो इसका। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो। तारी बात का यकीन यहाँ कोई भी ना करेगा, पर डरना मत, यहाँ तो सुरक्षित है। पर जो मुसीबत तुमने मोल ली है उसका अंदाजा तुमको खुद भी ना है। ए, तू रुकी हुई है, गई नहीं? पंजाब जी सर। ओ साहब, 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 कब तक हमको यहाँ रहना पड़ेगा? हमको शहर वाला जेल कब भेजोगे साहब? हाँ भाई, बहुत जल्दी है तुम्हें शहर वाला जेल जाने की, थोड़ा हमें भी मौका दो और खातिरदारी करने का। साहब, ओ साहब, साहब हमारा बात सुनो साहब। तुम ठीक हो? हाँ। दो जूस ले लो। अब तुम कह नहीं पाओगे कि विक्रांत सर अपने जूनियर्स का ख्याल नहीं रखते। लो जूस पी लो, नहीं तो अगली बार दाल का पानी पिलाऊंगा। थैंक यू। अदिति, केस प्रैक्टिकली सॉल्व हो चुका है। ये कोई बंजारों का भूत वूत नहीं था, एक स्कैमस्टर है जो पकड़ा गया, और उसने कन्फेस भी कर दिया है कि उसी ने उस पेड़ के इर्द गिर्द सारे बच्चों को दफनाया था। बस अब पता लगाना है कि इन बच्चों का मर्डर किसने किया और इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि मर्डर तो उसने नहीं किया। तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ, उसके बाद तुम्हें सारे डिटेल्स फीड कर दूंगा। विक्रांत, मैंने सच में उस औरत और आदमी को देखा था। वो आदमी कोई म्यूजिक बजा रहा था, और जैसे ही मैंने वो म्यूजिक सुना, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे पैरालिसिस का अटैक हो गया हो। और तुम्हें बताया था ना, मैंने उन दोनों के हाथ में जंजीर थी और उन दोनों ने बंजारों का लिबास पहना था। ए, चुप बैठ। अरे कहाँ पांडे जी, ये जंजीर संभाल कर रखिए अलमारी पर। साहब, साहब हमारी बात सुनो साहब,
साहब। ज्यादा नाटक तो करो मत, हमारा बस चले ना तो ये तुम्हें सूली पर टांग दे। हमको छोड़ दो साहब, हम कुछ नहीं किए। चुप करके वहां बैठ जा। हमारा एक बार देखो साहब। ये क्या नाटक है बे? देखो साहब, देखो 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 साहब, क्या नाटक है बे? कौन है तुम? अंदर कैसे आए? चलो बात। सर बलदेव, वो बच्चा जिन लोगों को बेचा था वो लोग अभी पकड़ा गया है। अभी बच्चा सुरक्षित घर वापस आ गया है। अच्छी बात है। ये केस अभी भी खत्म नहीं हुआ है। बलदेव के साथ ही तो बाहर ही घूम रहे हैं। एग्जैक्टली, इस चीज को हमें लाइकली। हेलो, क्या शुरू से बता, क्या हुआ था? सर मैं अपने टेबल पर बैठकर काम कर रहा था, वो वहाँ लॉकअप में से बार बार बलदेव के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, मुझे बाहर निकालो, मुझे शहर की जेल में शिफ्ट करो। बस सर मैं उसको चुप कराने के लिए गया था। फिर? सर जैसे मैंने उसको चुप कराया, बलदेव ने मुझे पीछे घूम के देखने के लिए कहा। मैंने पीछे देखा तो दो जन थे, एक आदमी और एक औरत। उनको देखते ही मेरा शरीर, मेरा दिमाग एकदम सुन पड़ गया सर। सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। रुको, अंदर कर दूंगा। सर मेरे शरीर में तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे लकवा मार गया हो। एक आदमी और एक औरत, तुमने उन दोनों की शक्ल देखी? सर आदमी तो बुढ़ा था, लेकिन सर जब मैं बेहोश होकर गिरने लगा ना सर, तब मैंने घूंघट में ना ज्योति को देखा था सर। ज्योति, ठीक से याद करो, 100% श्योर हो? मरे साहब, मारे को जाने दो ना साहब। जी सर, वो ज्योति थी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये हादसा होने से पहले तुमने कुछ कुछ खाया था, कुछ पिया था? जी सर, एक कप चाय पी थी मैंने। चाय पी थी? जी सर। वो चाय का कप है अभी भी चौकी पे? जी सर, मेरे डेस्क पे है। तुम्हें काम करो, वो चाय का कप ले लो और उसे लैब पे भेज दो टेस्टिंग के लिए। ओके सर। और बता दो कि मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट्स चाहिए। जी सर। और सुनो। जी सर। ऐसा ऐसा आपको भेज दो जरा। ओके सर। सर आपने बुलाया सर? तुम अच्छी तरह से जानते हो इस गांव में क्या हो रहा है और हमें यहाँ पर किस लिए बुलाया गया है। यस सर। फिर भी आप इतने गैर जिम्मेदार हैं। कुछ प्रॉब्लम हो गई सर? आपने किससे पूछकर ज्योति को छोड़ा? सर हमें लगा कि वो निर्दोष है इसलिए छोड़ दिया। आपको लगा? कैसे लगा? उसकी शक्ल देखकर लगा? आपके लगने के चक्कर में यहां पर सबकी लग गई। यहां पर एक कांस्टेबल बेहोश पड़ा था, तब दो लोग आए और बलदेव को छुड़ा कर लेकर गए, भगा कर लेकर गए। इस गांव में लॉयर्स, कचेरी, कोर्ट सब बेवकूफ है, और आपको इंसान की शक्ल देखकर जो लगता है कि वो मुजरिम है या इनोसेंट है वो सबसे ऊपर है, करेक्ट? अगर तुम चाहते हो कि ये केस जल्द से जल्द सॉल्व हो तो इसके आगे अपना दिमाग यूज करना बंद कर दो और जो मैं कहूंगा वैसा ही कीजिए, प्लीज। ओके सर। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। यस सर। जाइए। सर अभी अभी एक फोन आया था, वो गांव वाले बोल रहे थे ज्योति और उसके बच्चे को खेत के पास देखा था। हाँ आदिति, कहाँ पर हो? सुनो तुम दोनों आजू बाजू देखो, हम आगे जा रहे हैं। मैं बलदेव के कुएं की तरफ जा रहा हूँ, तुम उस पेड़ की तरफ जाना और बच्चे की आवाज के लिए ध्यान रखना। ठीक है विक्रांत, एक सेकंड। क्या हुआ? वहां देखो शायद कोई है।
सुनो, भागने से कोई फायदा नहीं होगा। पागल मत बनो, अपने बारे में नहीं तो इस बच्चे के बारे में सोचो। सर, सर आप ठीक तो हैं? सर मैं ठीक हूँ। एक और पुलिस टीम असेंबल करो। जी सर। हट जाओ, मुझे गोली चला दूंगी मैं। ठीक तो है ना? ए, रुक, रुक, पकड़े इसे, ए! इसके पीठ में बच्चा निकालो, बच्चा निकालो, संभाल के, संभाल के, संभाल के, बच्चा संभाल के, बच्चा संभाल के। हेलो, हाँ बोलो। हमको छोड़ दो सर। सर बलदेव को पकड़ लिया हमने, बस स्टॉप पर बैठा था वो। कुछ पता चला वो लॉकअप से कैसे भागा? हवलदार के बेहोश होने के बाद लॉकअप का चाबी चुरा लिया था उसने। ठीक है, बाद में बात करता हूँ। हाँ विक्रांत बोलो। हाँ तुम्हारा क्या अपडेट है? हाँ विक्रांत, वो अभी यहाँ मेरे सामने ही है, जख्मी है। बंजारा जख्मी हालत में? ठीक है, मैं एम्बुलेंस बुलवाता हूँ। तुम लोग कहाँ पर हो? तुम जल्दी से बलदेव के खेत में जो गड्ढा है वहाँ पे पहुँच जाओ। ठीक है, वहीं मिलते हैं। ओके, चलो लेकर चलो इसे, आ जाओ। मैं जानता हूँ आपने उन दोनों को देखा है ना? कौन थे वो दोनों? मेरे ही पूर्वज हैं। आपके पूर्वज? जी हाँ, दरअसल हमारे परिवार को एक शाप है। अदिति, दादू, हाँ, दादू, शो, दादू, संभालो इसे, मैं ठीक हूँ ना? शर्मा, तुम मेन रोड पर रुको, जैसे एम्बुलेंस आती है उसे यहाँ पर लेकर आओ। जी सर। आप अपने पूर्वज की बात बता रहे थे ना? पूरी बात बताइए। बहुत साल पहले मेरे परदादा और उनकी दूसरी बीवी यानी मेरी सौतेली परदादी को गांव वालों ने जंजीर से जकड़कर खड्डे में जिंदा दफना डाला। क्यों? गांव वालों को लगा कि उन्होंने बच्चा चुराया है, मगर ये गलत था, वो निर्दोष थे। कुछ सालों बाद खेती के दौरान वो जंजीरें जमीन के बाहर निकल आई, फिर बच्चों का मरने का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद गांव वालों ने मिलकर उस जंजीर को इस गड्ढे में दबा डाला। फिर कुछ सालों तक
सब कुछ ठीक था, कुछ नहीं हुआ, सब शांत हुआ। मगर बलदेव ने कुआं खोदने के दौरान वो जंजीरें बाहर निकाली तो फिर बच्चों के गायब होने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। अच्छा, तो बलदेव के कुएं से जंजीर बाहर निकालने के बाद बच्चे मरना शुरू हुए। हाँ साहब, वो जंजीर अंदर ही रहने दो साहब, उनको बाहर मत निकाल। दादा, आप कहीं फिर से एक नई कहानी तो नहीं सुना रहे? नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ। एम्बुलेंस आ गई। ठीक है दादा, फिलहाल आप हॉस्पिटल में जाइए, इलाज करवाइए, जंजीरों का क्या करना है हम देख लेंगे। दादा, साहब, आप चाहो तो हमको जेल में डाल दो, पर ये जंजीरें यहाँ से मत ले जाओ साहब। साहब, आप समझ नहीं रहे हो, बहुत मासूमों की जान गई है। कांस्टेबल सारे बच्चे, साहब आप हमारी बात नहीं समझ, साहब हमारी बात समझिए, साहब ऐसा मत करिए साहब। साहब, मैडम जी आपको तो देखा, आप पता ही है ना, वो जंजीर को अंदर फेंक दीजिए साहब, साहब वो जंजीर को अंदर फेंक दीजिए साहब। विक्रांत, हमें इन जंजीरों को यहीं रहने देना चाहिए। मैंने उन दोनों को दोबारा देखा था, मुझे लगता है अगर हमने इसे निकाल दिया तो वो वापस आएंगे। अदिति, लेकिन ज्योति और बलदेव को कोर्ट में ये एविडेंस है। अदिति, बाकी एविडेंस भी तो है हमारे पास विक्रांत, लेकिन हमें इसे यहीं दफनाना होगा। प्लीज ट्रस्ट मी विक्रांत। ठीक है।